Hello everyone. So in this session, we're going to discuss the passes of Himachal Pradesh. तो पासेस इन हिमाचल प्रदेश जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का। यहाँ से आपको भले आपको कोई भी एग्जाम एचपीएस का एग्जाम है, एचपीएनटी का है, एचपीए लाइट का है, तीनों में ही आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, ये ठीक है आया हुआ क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक फोर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना दिया उन्होंने और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पासेस में से आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल स्टेटमेंट टाइप में ही पूछ सकते हैं वो आपसे, और वो आपसे लिस्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है लिस्ट वन दे देते हैं, यहाँ पे लिस्ट टू होती है, ठीक है उस तरह से भी आपको मैच करा सकते हैं डिफरेंट पासेस और वो किस जगह को कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई पासेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें पासिस की इंपॉर्टेंस की, पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो परांगला पास जो है वो किन्नौर लाहौल के बीच में लाई करता है, मनीरंग जो है वो हाईएस्ट पीक है चंबा की, कलीचो जो है फेमस लेक है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने मिक्स कर दिया, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने लेक पीक और पास तीन टॉपिक को मिक्स करके ये क्वेश्चन बना दिया। चोबिया पास जो है वो लद्दाख और लाहौल के बीच में लाया करता है, तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। इसका आंसर जो था वो ऑल ऑफ द अबव था, यानी सारे स्टेटमेंट गलत थे। तो आगे जब हम सेशन में चलेंगे तो इसमें जितने भी आपको ये परांगला पास दिया है ये भी हम कवर करेंगे, चोबिया पास भी हम कवर करेंगे। जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि जब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आप उस टॉपिक को लिख ले, और कहाँ किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो भी लिख ले, क्योंकि वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पीपीटी के ये जो हमारा सेशन है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पीडीएफ में वो नहीं लिखा होगा, इसलिए आप पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि आप उसे नोट डाउन कर सके। अब बात करते हैं थोड़ी पासेस के बारे में। तो देखो पासेस क्यों बनाए गए हैं, कुछ नेचुरल होते हैं कुछ मैनमेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पासेस बेसिकली करते क्या है कि जहां पर माउंटेन रेंजेस होती हैं या माउंटेन्स होती हैं तो वो दो जगहों के बीच में हो जाएंगी, इस वजह से वो दो जगह डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। एक दूसरे से कनेक्शन बनाने के लिए पासिस शॉर्टकट होते हैं उन माउंटेन्स के बीच में से, उन रेंजेस के बीच में से जो रास्ता निकल कर जाता है और दो जगहों को कनेक्ट करता है, उसे ही हम पास बोलते हैं। ठीक है, पासिस का इस वजह से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। अगर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ट्रेड के लिए पासिस ने फ्रॉम द एंशियंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। सिल्क रूट जो था वो हमारा पासिस के थ्रू था, तो ट्रेड में हेल्प करते हैं, टूरिज्म में हेल्प करते हैं, साथ ही अमलगमेशन ऑफ कल्चर में भी हेल्प करते हैं। एरिया है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे अपर हिमाचल वाला एरिया हो जाएगा, वहाँ पे लेमिनिस्टिक बुद्धिस्ट कल्चर है, बीच में इतनी सारी माउंटेन्स रेंजेस है, अगर उनके बीच में पास नहीं होते तो हम देखते हैं कि अभी जो लेमिनिस्टिक कल्चर है, जो नीचे लोअर हिमाचल में आपको हिंदुइज्म कल्चर मिलेगा, बीच के में जो एरिया आता है वहां पे एमलगमेशन देखने को मिलता है दोनों ही कल्चर का। वो क्यों है, वो इसी वजह से है क्योंकि जब लोग पासिस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ अपने कल्चर को लेकर जाते हैं, अपनी डिफरेंट ट्रेडिशंस को लेकर जाते हैं, और उनके इम्प्रिंट दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलते हैं जहां पर वो ट्रैवल करते हैं। तो पासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि क्यों हमारे लिए जरूरी है पासेस को पढ़ना। जब आप पासेस को पढ़ोगे तो देखो पासेस को बहुत सारे नाम से, जैसे कि रोहतांग पास को भी बोलते हैं, लेकिन रोहतांग ला भी बोला जाता है, आपको 12 लाचा ला दिखाई देगा कहीं पर लिखा हुआ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो लाभी पासिस को बोलते हैं, जोत भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आंग जोत। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको गलू, ठीक है, तो गलू भी पासिस को ही बोलते हैं। तो दीज आर दी नेम जिससे हिमाचल में पासिस को जाना जाता है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि अगर ये लिखा आ रहा है तो ये भी पास को ही इंडिकेट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो ये कि आपको पासिस को किस तरह से पढ़ना है, मैप के थ्रू पढ़ना है। पहले में हम इस सेशन में भी पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, साथ में मैप में भी दिखाऊंगी, उसके बाद फिर हम डिटेल में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पास है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे मैप के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे पहले पास से जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज 12 लाचा पास। सो 12 लाचा पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास जहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, आप किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो मैं स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दूंगी वो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उस पास से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि आपको शायद यही चार स्टेटमेंट दे दे और आपसे पूछ ले कि ये
किस पास के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, द पास सिचुएटेड इन लाहौल ऑन मनाली लेह रोड अबाउट 75 किलोमीटर फ्रॉम किलोंग टूवर्ड्स लेह। वो इतना ही पूछ लेंगे और पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा पास है। तो इस वजह से पहले नहीं इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए आपको अब इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा रेनोवेट करना होगा और ज्यादा इनोवेटिव बनाना होगा। ठीक है, सो बारालाचा ला जो पास है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास। यहाँ मैंने आपको मैप में दिखाया भी हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं मैप में कि एक सेकेंड, ओके, हाँ, सो ये रहा, ये हमारा बारालाचा पास हो जाएगा। यहीं पर आपका सूरज ताल पड़ता है और नीचे यहीं पर आपका चंद्र ताल पड़ता है। जहां से क्या निकलती है, हमारी कौन सी रिवर आती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, तो चंद्रा रिवर निकलती है, भागा रिवर निकलती है यहाँ से सूरज ताल से, और चंद्र ताल से हमारी चंद्रा रिवर निकलती है, और लेटर ऑन टानी में जाकर ये मिलकर क्या बनाती है, चंद्रभागा, जिसको चेनाब के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये यहीं से निकलते हैं बारालाचा पास से, सूरज ताल के पास से। तो दैट्स व्हाई पासेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अब आपको इसी पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बारालाचा पास जो हमारा वो कहाँ पे पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, तो ये हमारा लाहौल है स्पीति में हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पास। तो बारालाचा जो हमारा पास है वो कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में है। और इसके अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ से एक और क्वेश्चन का, कि इनमें से कौन सा पास है जो सूरज ताल और चंद्र ताल के पास में है। ठीक है, तो अब तब आपको बताना होगा कि बारालाचा पास है वो। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको काफी सारी और चीजें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि बुकीला ग्लेशियर हो गया है, ये आपके ग्लेशियर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान किस पे देना है, हम यहाँ पे बेसिकली पासेस को कवर करेंगे ज्यादा, जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, पासेस पे रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको पासेस के बारे में ध्यान रखना होगा वो होगा उनका एलिवेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन में लगाइए। ठीक है, किस बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना होगा कि किसकी हाइट, किसका एलिवेशन ज्यादा, हाइट नहीं एलिवेशन किसका ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बारालाचा पास की बात करते हैं तो 4890 मीटर इसका एलिवेशन है, ये आपको याद रखना होगा। देन इस पास को एक नाम से और जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, पास विद क्रॉस रॉड ऑन समिट। क्रॉस रॉड ऑन समिट यानी इस यहाँ पर समिट पे, जो इसका समिट है, जो इसकी पीक है, वहां पर चार तरफ से क्रॉस रॉड्स आई हुई है। ठीक है, चार जगहों से आई हुई है, कौन कौन सी है वो चार साइड, एक आपकी हो जाएगी जास्कर, दूसरी लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट ऑन द टॉप ऑफ इट, यानी इसके ऊपर जो है वो यहाँ चार जगहों से रोड आकर मिलती है, इसी वजह से पास विद क्रॉस रोड समिट बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होगा कि इनमें से कौन सा पास है जिसको पास विद क्रॉस रोड समिट बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये हमारा बारालाचा पास हो जाएगा। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पास, दैट इज भाभा पास। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पास, ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब मैंने फिर से आपको ये चार स्टेटमेंट दी है, ये चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अब बताओ कौन सा पास है जिसको हम दो साइड से जा सकते हैं जिसपे। ठीक है, आप एक मनाली की साइड से भी आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और एक इधर की साइड से भी इसको रीच कर सकते हो। तो ये मैंने मैप के थ्रू भी आपको दिखाया कि आपको कौन कौन सी जगहों को क्रॉस करना होगा जब आप इधर से आते हो, और जब आप इधर काजा की साइड से आते हो, मनाली की साइड से आओगे, तो आप कहाँ कहाँ से होकर आओगे। तो जैसे कि एग्जाम का पैटर्न काफी जो लेवल है अच्छा होता जा रहा है, तो शायद इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि अगर देयर इज अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम काजा एंड ओवर रोहतांग पास एंड देन कुंजुमला, कुंजुमला के पास से निकलता है, देन फर्स्ट देन टू अटर अटरगो एंड देन मिक्किम, तो वो किस पास पे पहुंच जाएगा, तो वो कहाँ पर जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो भाभा पास पे जा रहा होगा, तो भाभा पास को हम दो साइड से आ सकते हैं। ठीक है, कुंजुमला इज ऑल्सो अ पास, ठीक है, रोहतांग भी एक पास है, जो हम आगे सारे पास हम कवर करने वाले हैं। कुंजुम के पास से पता होगा आपको क्या निकलती है, कौन सी रिवर, हमारी स्पीति रिवर जो है वो कुंजुम रेंज से निकलती है। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं, जैसे बताया कि स्पीति रिवर के पास से क्रॉस करके देन टू मूंचझुला, देन परी परियो रिवर एट संगम, ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे जाते हो बल्दूर में, और फिर फाइनली पुलटी में, एंड देन 14 किलोमीटर चल के आप भाभा पास पे पहुंच जाते हो। तो बेसिकली
ये बहुत रेयर है कि इस तरह के क्वेश्चन आए, लेकिन आपको तैयार रहना होगा, आपको एक स्टेप फॉरवर्ड रहना होगा फ्रॉम द एग्जामिनर, तो इस वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आई मेंशन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आपको किस साइड से आओगे तो कौन कौन सी जगहें पड़ेंगी, और यहाँ पर आप भाभा पास से पहुंच जाओगे। भाभा पास है कहाँ पर? हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे हम इसे मैप के थ्रू कवर करेंगे, तो ये पे भी वहां पर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पास विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमटा। ठीक है, तो हमटा पास भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, जिसका एलिवेशन है वो 4270 मीटर्स है। ठीक है, और मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, ये रहा हमारा हमटा पास। सॉरी, सो हेयर इज आर हमटा पास। ठीक है, ये हमटा पास हो जाएगा हमारा, और यहीं पर हमारा इसी के पास में रोहतांग पास भी है। ठीक है, सो क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? जो हमारा हमटा पास है वो कनेक्ट किसे किसे कर रहा है, तो वो कुल्लू को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करेगा, हमारा कुल्लू वाला रीजन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे हमारी चंद्रा रिवर आ रही है यहाँ से, ये भी हमटा पास से निकले के पास से जाएगी, और ये चंद्रा ऐसे जा रही है, और यहाँ पे हमारा लाहौल और स्पीति वाला एरिया हो जाएगा। तो जो हमारा हमटा पास है वो किसे कनेक्ट करता है? वो कुल्लू को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करता है। ये भी हम मैप में और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि हमटा पास जो है उसकी एलिवेशन कितना है, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके नोट्स आप बना लो कि 4270 मीटर पे इसका एलिवेशन है। किस किस जगह से होकर जाना पड़ता है? मनाली थ्रू इंद्रसान दियोतिबा, ठीक है, एंड इंद्र किला को क्लाइम करके इसकी टॉप पे पहुंचा जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो चीज इससे रिलेटेड है वो है हमारी अर्जुन गुफा एट भनारा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किस पास के पास किस कौन सी कोई पर्टिकुलर ऐसे मॉन्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद उनसे रिलेट करके भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पास, दैट इज रोहतांग पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पास। ठीक है, तो अगर हम रोहतांग पास की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे इसके पास ही में अटल टनल को बना दिया गया है, ताकि जो टाइम लगता था क्रॉस करने में रोहतांग पास को, अब वो कम हो जाएगा, वो नियरली 4 आवर्स पे होगा। ठीक है, ये भी किसे कनेक्ट करता है? कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट करता है। यहाँ पर पहुंचने वाले जो पहले इंग्लिश मैन थे वो थे मूरक्राफ्ट, 1820 AD में वो गए थे, और उन्होंने इसको क्या बोला था? रितांगा जोत के नाम से बुलाया था इसको। किस नाम से बुलाया था? रितांगा जो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप से फॉर्म हो सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि पहले इंग्लिशमैन कौन थे जो रोहतांग पास पे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए मूरक्राफ्ट किस ईयर में, 1820 AD में उन्होंने किस नाम से बुलाया था रोहतांग पास को? रितांगा जोत के नाम से बुलाया था। जो सेकेंड एक्सपेडिशन था वो कौन, उसमें कौन गए थे? डॉक्टर जे जी जेराड, लॉर्ड एलिंग जो उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने भी इसको क्रॉस किया था, वो 1863 में गए थे। सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो क्या बोलते हैं, जो हमारी मूरक्राफ्ट थे और ये डॉक्टर जे जी जिराड थे, इनके अकॉर्डिंग 13,000 फीट जो है वो हाइट थी, ठीक है, एलिवेशन था इस पास का। सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही निकाला था, 13,050 फीट जो है इसका मीन सी लेवल से एलिवेशन है, इसकी हाइट है। तो ऑल पर सुने भी उन्होंने भी करेक्ट ही बताया था। तो ये आपको एलिवेशन हो गया है, यहाँ पे यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है कि सेकेंड है जो एक्सपेडिशन था रोहतांग पास का उसमें कौन कौन लोग थे, और यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। स्टेटमेंट टाइप भी आपसे पूछ सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पास, नेक्स्ट पास की बात करते हैं, तो टेम्पोला। ठीक है, तो टेम्पोला पास हो गया हमारा, ये कहाँ पर है? ये लाहौल और स्पीति में सिचुएटेड है। ठीक है, और किस जगह से? फिर से इसी तरह से आपको देखो ये चारों स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें किस पास के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये जो नोचे नाला है इसके बेस पर ये पास पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, तो जो नोचे नाला है वहां पर कौन सा पास पड़ता है। ठीक है, और द रिसेंट वन हैज टू पास बाय कोक्सर विलेज के पास से निकलना पड़ता है, आइदर या तो आपकी लॉन्ग की साइड हो या चले जाए, या फिर स्पीति की साइड चले जाए कुंजुम पास होते हुए, या फिर मनाली विया रोहतांग पास भी आप जा सकते हैं इस पास से। ठीक है, फिर वारू पास जो कि ऑलरेडी HAS के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पास है ये भी। ये किस किस के बीच में? धर्मशाला और चंबा के बीच में। इसका जो एलिवेशन है वो 3870 मीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और फिक्र नहीं करिए, सेशन के एंड में हम ये जितने भी हमारे पासेस है सारे के सारे बाय मैप थ्रू मैप कवर करेंगे।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पास, दैट इज सच पास और सिंगोर पास। ठीक है, तो सच पास की अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये पांगी वैली चंबा में है, और अगर आपको वहां जाना है इसके फेमस ट्रैकिंग रूट पे, तो आपको इस पास को क्रॉस करना होगा। ठीक है, और जो हमारा सिंगोरा पास है वो कहाँ से जाया जा सकता है, अलियास से, और इट लाइज बियॉन्ग धर्मशाला। इसका जो एलिवेशन है वो 4310 मीटर्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एलिवेशन कितना है। काफी ज्यादा स्टीप रूट हुआ है इसका, सिंगोर का पास का। क्या अभी हम देखेंगे कि ये किसे किसे कनेक्ट करता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जैसे कि हमारा वारो पास था वो कुल्लू और चंबा को कनेक्ट कर, सॉरी कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट कर रहा था। मूविंग ऑन टू मनीरंग। ओके, सो मनीरंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पास। मनीरंग और मनेसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज लोकेटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोपा एंड चुक्तियांजन रिवुलेट्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, इनके कॉन्फ्लुएंस पे ये लाई करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, और नीचे मैंने पूरी आपको जितनी भी डिटेल दी है एक बार पढ़ लेना, ये इसलिए दी गई है आपको ताकि आप एक बार पढ़ लोगे, आपको ये याद रहे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाती है, अगर इनका नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मनीरंग पास के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे जो एग्जामिनर है वो मनीरंग पास के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। बट बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस इज दिस, कि ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे, रोपा और सुप्तियांजन के रिवेलेट जो स्ट्रीम्स है हमारी उनके कॉन्फ्लुएंस पे पड़ता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पास, दैट इज कुंजुम पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो है ये मेन पास है जो स्पीति लाहौल के बीच में है, और यहाँ से हमारी स्पीति रिवर भी निकलती है। कुंजुम नेम से ही स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और इस पे यहाँ पे जाने के लिए आपको गरमफो टूवर्ड्स काजा, ऑन दी गरमफो काजा सुंदो रोड, तो यहाँ पे जाना पड़ता है। इट इज सिचुएटेड 80 किलोमीटर्स, ठीक है, सॉरी 60 किलोमीटर्स, यहाँ से ये 60 किलोमीटर्स पड़ता है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा पास है जो गरमफो काजा सुंदो रोड से जाने पर आप पहुंच सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कुंजुम पास है। ओके, और यहीं पर दुर्गा टेम्पल भी है एक, जो इस पास पे बनाया गया है। एंड दिस दैट्स व्हाई इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट पास, बेसिकली क्यों, क्योंकि ये लाहौल और स्पीति के बीच में है, और ये इट इज वन ऑफ द गेटवे फ्रॉम स्पीति टू लाहौल। मूविंग ऑन टू, अब हम जो है इन्हें कवर करेंगे थ्रू मैप। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब हम डिटेल में मैप के थ्रू आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पास है वो सारे कवर कर लेंगे। सो यहाँ से मैप शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम सारे डिस्ट्रिक्ट से कवर करते जाएंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के बीच के मैप, सॉरी पासेस। एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट गेसिंग भी करते तो भी आप कर सकते हो, कि जो हमारा नीचे वाला एरिया है, हमारे बिलासपुर वाला एरिया, वहां पे कोई पास नहीं है। तो ऊपर वाला एरिया जो है हमारा चंबा का, कांगड़ा का, किन्नौर का, यहीं पर आपको ज्यादातर पास देखने को मिलेंगे, और यहीं के पास इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो मैप है इसमें काफी सारी चीजें मेंशन है, ये हमारा खुद का मैप है, तो इस वजह से इसमें काफी चीजें मेंशन है। हम फोकस करेंगे किस पे, जो हमारे मेनली पासेज होंगे। तो ये हमारा इस साइड चंबा वाला जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, चंबा वाला रीजन हो जाएगा, और नीचे जो पर्पल में है ये कांगड़ा वाला रीजन हो जाएगा। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे है हमारा तिलंग पास, तो तिलंग पास हो गया, सिंजोरा पास हो गया, देन वी हैव वारू, वी ऑलरेडी डिस्कस वारू, और मैप में भी आप देख सकते हो उसे, और आई वुड सजेस्ट यू कि आप मैप के थ्रू ही पढ़ो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लंबे टाइम तक उसे याद तो रख ही पाओगे, आपको चीजें भी पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज है, इस तरह का जो क्वेश्चन है कि अगर आपको पासेस दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप इन्हें वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज कीजिए, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट में अगर आपको अरेंज करना होगा, ठीक है, तो आप तभी कर पाओगे अगर आपने उन्हें मैप में देखा है। ठीक है, तो तिलंग पास हो गया, देन सिंजोरा पास है, देन वी हैव वारू पास, फिर आता है हमारा सुभा पास, देन थमसर पास हो गया। ठीक है, और ये रहा निकोरा पास। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पासेस बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, तो ये चंबा और कांगड़ा के बीच में हो जाएंगे। तो अगर तिलंग पास में आता है कि तिलंग पास किसको कनेक्ट करता है, तो आपको बोलना होगा कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी हमारी, कांगड़ा और चंबा हो जाएगी। यहाँ पे धर्मशाला भी ठीक होगा, अगर धर्मशाला चंबा देता है तो वो भी आंसर सही होगा। फिर तिलंग एंड सिबोरा पास भी हो गया, वारू, सुरहा एंड थमसर एंड निकोरा, तो दीज आर दी पास। कुछ पासेज होते हैं जो अंदर पड़ते हैं, जैसे कि ये रहा गेरू पास,
ठीक है, तो ये ऑलरेडी कांगड़ा के अंदर है। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, आपको इनकी लोकेशन याद रखनी होगी कि ये जो पास है ये हमारा एग्जैक्टली है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो मोर इम्पोर्टेंट वही होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आपको, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पास हो गए हमारे, जो हमें कौन से पास पड़े हैं हमने, जो हमारे कांगड़ा को, ठीक है, चंबा से कनेक्ट करते हैं। सो ये हमारे कांगड़ा चंबा वाले पासेस हो गए हैं। तो यहाँ पे आप इन्हें नंबरिंग भी कर सकते हो, कैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा हमारे। तो टोटल 6 के अराउंड हमारे पास है जो चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करते हैं। आगे मूविंग ऑन टू, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो अब आगे देखोगे तो अब यहाँ पे हमारा चंबा वाला रीजन आ जाएगा और लाहौल स्पीति वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब चंबा को जो लाहौल स्पीति से कनेक्ट करते हैं वो हमारे कौन कौन से पास होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाहौल और स्पीति और चंबा के बीच में जो पास होंगे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारे पासेस हो जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं नीचे की साइड से, कुगटी पास, ठीक है। तो ये चंबा और लाहौल, बेसिकली जो इस साइड वाला एरिया है वो लाहौल स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पर ये लाहौल वाला एरिया है हमारा। तो कुगटी पास हो गया, देन छोबिया पास, देखो ये हमने पढ़ा भी था, छोबिया पास हो गया, ये भी किसे कनेक्ट कर रहा है, हमारे चंबा को लाहौल से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है लाहौल स्पीति तो भी ठीक होगा, अगर ये आता है कि चंबा को लाहौल से कनेक्ट करता है तो भी ठीक होगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट पास इज कलीचो पास, तो कलीचो हो गया यहाँ पे। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पास है दराती। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है इसमें कि दराती पास जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, तो लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है दराती पास जो है वो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो चंबा से कनेक्ट करेगा दराती। देन वी हैव मारू पास, उसके बाद फिर आपके पास मारू पास हो जाएगा, ये रहा हमारा मारू पास, ठीक है। फिर हमारे पास घोड़धार हो जाएगा, घोड़धार जो है वो भी किसे कनेक्ट करता है, जो घोड़धार पास है वो भी हमारा लाहौल स्पीति को चंबा से कनेक्ट करता है। देन तुवानी एंड दिग्गल पास, ठीक है। सो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट पासेज हो जाएंगे, ये सारे पासेज हैं इंपॉर्टेंट जो कनेक्ट करते हैं लाहौल स्पीति को चंबा से। अब चंबा में और भी कुछ पास है जो अंदर है उसके, जैसे कि कयोग पास हो गया ये, ठीक है, एंड देन आरू पास हो गया। तो देखो नाम तो आपको इनको सारे ही नाम पढ़ने होंगे, ठीक, नाम तो आपको सारे याद रखने होंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि जो पासेस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, या फिर जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे है या फिर नेशनल बाउंड्रीज पे ही स्टेट्स के बीच में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं और चंबा के पासेस के, पहले हमने भी पढ़ लिया चंबा को जो लाहौल स्पीति से कनेक्ट करते हैं, अब लद्दाख से कनेक्ट करता है ये, जो सेरसंग पास है हमारा ये चंबा को लद्दाख से कनेक्ट करता है। और इधर जब हम सच पास के पास आएंगे तो ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है चंबा से, तो चंबा को जम्मू कश्मीर से ये पास कनेक्ट कर देगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दैट्स वाई दीज पासेस आर इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे चंबा के पासेस हो जाएंगे। सो हमने अब क्या क्या कवर कर लिया है, चंबा को कांगड़ा के बीच के पास कवर कर लिया, चंबा लाहौल स्पीति के बीच के पास कवर किया है, चंबा को लद्दाख से पास कौन सा कनेक्ट करता है, और चंबा को जम्मू कश्मीर से कौन सा पास कनेक्ट करता है, ये भी हमने कवर कर लिया। तो हमने चंबा के जो पासेस है वो कवर कर लिए हैं। अब हम मैप में आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हम लाहौल स्पीति के पासेस पढ़ेंगे। अब इधर की साइड आ जाएंगे जहाँ पे हम लाहौल स्पीति के पास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको रोहतांग पास दिख रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा रोहतांग पास ही हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो ये रहा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा रोहतांग पास हो जाएगा, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पास जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। रोहतांग पास को रितांगा जोड़ के नाम से जाना गया था, इसको रितांगा जोड़ भी बोला था, ठीक है। तो रोहतांग पास जो है वो हमारा कहाँ पे पड़ेगा, वो हमारा लाहौल स्पीति में पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर हमारा पास है ललूनी, ठीक है, ललूनी जो है वो कांगड़ा को कनेक्ट करता है, जो हमारा ललूनी पास है वो कांगड़ा को कनेक्ट करता है स्पीति वाले, लाहौल एंड स्पीति से, लाहौल वाले एरिया से करता है, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट करता है, वैसे कि लाहौल वाला एरिया इस साइड का, तो लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट करता है कांगड़ा को ललूनी पास, ठीक है। कई बार तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि आखिर कांगड़ा का जो एरिया है वो टच भी करता है या नहीं करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे हमारा लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लाहौल और स्पीति को जो है वो
आउटर बाउंड्री यानी दूसरी स्टेट से कहाँ पे कौन कौन से पास कनेक्ट करते हैं, थोड़ा और इधर मूव करते हैं हम मैप में, ठीक है। हमने रोहतांग पास देख लिया था, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम ऊपर जाते हैं और लाहौल स्पीति एरिया में, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंघून पास। तो सिंघून पास जो है वो लाहौल स्पीति को किससे कनेक्ट करेगा, लाहौल स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यहीं पर अगर आप नीचे आओगे तो देखो ये रहा बारालाचा ला मिल जाएगा आपको, विच इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट पास। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं और नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको कुंजुम पास मिलेगा, ठीक है, जो क्या कवर करता क्या है, वो स्पीति को लाहौल से कनेक्ट करता है और साथ ही और किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारी स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो हम इसमें आगे और मूव कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा आपका कुंजुम पास, सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका कुंजुम पास। आगे ही चलने पे एक और इम्पोर्टेंट पास जो स्पीति में है ऑलरेडी, तो वह है टॉकिंगला। अब देखो ये जो है ये बिटवीन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन टॉकिंगला जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, आपका स्पीति में पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही आ सकता है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि आखिर जो हमारा टॉकिंगला पास है वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हमने अभी डिटेल में पढ़ा भी था परांग पास के बारे में, ये भी हमारा स्पीति में पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पास, तो ये भी हम यहीं से कवर कर लेंगे आगे। अब ये हमारे लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट पासेस हो गए, कुछ और अंदर जो पासेस पड़ेंगे जैसे कि लरांगला हो जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं डिटेल में आपको दे दूंगी, पर दीज मतलब तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पासेस कौन से होते हैं जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के बीच में होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन से पास कवर जो है इन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अगर हम किन्नौर एरिया की साइड मूव ऑन करते हैं अब, ठीक है, तो किन्नौर की साइड जब हम मूव ऑन करेंगे तो आप देखोगे कि किन्नौर में सबसे ज्यादा पासेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हमने लरंगला में आपको बता रही थी कि ऑलरेडी ये आपको कहाँ मिलेगा, स्पीति में पड़ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड। सो जो हमारा लरंगला पास होगा वो स्पीति में पड़ जाएगा। देन वी हैव पिन पर्वती पास ऑल्सो, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे मंतलाई ग्लेशियर है हमारा, मंतलाई लेक, सॉरी मंतलाई लेक है, जहां से कौन सी रिवर निकलती है हमारी, पर्वती रिवर निकलती है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ। इसी तरह से अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हो ना तो देखो पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं आप इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मनीरंग पास हो जाएगा। मनीरंग पास जो है वो किसे किसे कनेक्ट करता है, स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करता है। तो हमारा किन्नौर वाला एरिया ऊपर स्पीति वाला एरिया हो जाएगा, तो मनीरंग पास जो है वो किस किस के बीच में पड़ेगा, स्पीति और किन्नौर के बीच में पड़ेगा, ठीक है। अगर आता है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में इनमें से कौन सा पास पास है, तो भी आप मनीरंग बोलोगे। और पास कौन कौन सा है जो लाहौल जो स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करते हैं, वो है हमारे, हो जाएगी गुप्तसर, ठीक है, यस, गुनसर पास हो जाएगा। उसके बाद फिर लारसवे पास हो जाएगा। सो दीज आर दी पासेस जो हमारे स्पीति और किन्नौर के बीच में पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। सो इसी तरह आपको भी मैप के थ्रू पढ़ना है, ये मैप थोड़ा मेसी है बिकॉज इससे बार बार पढ़ा गया है, इसमें बार बार चीजों को नोट डाउन किया गया है, इसलिए थोड़ा सा मेसी है ये। आई होप यू कैन बेयर दिस विद मी, ठीक है, और समझ में आपको आ रहा होगा कि आपको किस तरह से कवर करना है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज धीरे धीरे मैप में हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे। अगर हम आगे बात करते हैं, आप किन्नौर रीजन की साइड मूव करते हैं कि आखिर किन्नौर के कौन कौन से पासेस है और किन्नौर को कौन सा पास किस जगह से कनेक्ट करता है, तो सबसे पहले अगर हम शिपकिला की बात करते हैं जहां से सतलुज भी एंटर होती है, तो शिपकिला जो है वो किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो जो शिपकिला ये हमारा पास हो जाएगा, इधर हमारा तिब्बत वाला रीजन है, ये हमारा किन्नौर का रीजन है, तो शिपकिला जो है इट इज अ गेटवे बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर। इसी तरह से और भी पासेज जो तिब्बत और किन्नौर के बीच में पड़ेंगे वो है रेंसो, क्योबरंग, ठीक है, सिमदंग, किमोकूल पास, यमरंग पास, ऑल दीज पासेज आप इन्हें नंबर भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप नंबरिंग करोगे, ठीक है, सो इट विल स्टार्ट विथ, ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आपसे ये पूछ सकता है इसमें नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ में अगर हम मूव करेंगे तो ये पासेस किस डायरेक्शन में पड़ेंगे, नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में इन्हें लगाइए। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको इन मैप्स के थ्रू ही पता चलेगा।
सो ये हमारे पासेस हो जाएंगे जो किन्नौर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो किन्नौर को उत्तराखंड से कौन कौन से पासेस कनेक्ट करते हैं, नीचे उत्तराखंड पड़ेगा, लमखगा पास हो जाएगा, देन बोरोसू पास हो जाएगा, बोरासू पास हो जाएगा, किमले पास हो जाएगा, एंड देन लामी पास हो जाएगा। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पासेस जो कहाँ पड़ेंगे हमारे, किन्नौर को तिब्बत से, सॉरी किन्नौर को उत्तराखंड से कनेक्ट करेंगे। अब इधर हमारा शिमला वाला रीजन है, ये जो हमारा रीजन है ये हमारा शिमला वाला रीजन है, ठीक है। तो किन्नौर को शिमला से कौन कौन से पास कनेक्ट करते हैं, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट पास नलगन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पास है क्यों, क्योंकि ये किन्नौर को शिमला से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारे पासेस भी याद रखने, जैसे बुरन पास हो गया, देन सिरांगचू पास हो गया, सॉरी ठीक है, ये माँ किधर होगा, तो ये रहा शिरांगचू पास हो जाएगा, देन वी हैव सथल पास, ठीक है। सथल पास जो है ये भी हमारा किसके बीच में पड़ेगा, किन्नौर और किसके बीच में पड़ जाएगा, ये हमारा शिमला के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो किन्नौर और शिमला के बीच में हो जाएगा। सो आई होप आप ये सारे पासेस जो है एटलीस्ट इनके नाम याद रखेंगे। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है, देखो सबसे इजी तरीका और जिससे सबसे लॉन्ग टाइम के लिए आपके आपको याद रह सकता है वो यही है कि आप मैप का मल्टीपल रिवीजन करो। टाइम भी नहीं लगता है इतना, एक बार सोने से पहले पढ़ लो, एक बार जब सुबह उठते हो उसके बाद इसे मैप के थ्रू एक बार पढ़ लो जितने भी पासेस हैं। और एक जो साइड में आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप जो हो रहा है, जो आपको एक एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे, वो ये मिल रहा है कि जब आप मैप के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख भी जाएंगी, डिफरेंट ग्लेशियर्स दिख जाएंगे, डिफरेंट रिवर्स दिख जाएंगी, वैलीज दिख जाएंगी, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो इस तरह से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि इट्स बेटर अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हो। तो हमने पढ़ ली किन्नौर वाले पासेस, और किन्नौर में बहुत सारे पासेस देखने को मिलते हैं। सो एक ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो पासेस हैं वो कहाँ पे हैं, ज्यादा किन्नौर में देखने को मिलते हैं, कनेक्ट भी बहुत सारी जगह पर होते हैं, उधर तिब्बत से इधर उत्तराखंड, यहाँ पे शिमला हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाहौल स्पीति और कुल्लू की साइड जो हमारे पासेस होंगे, तो ये हमने पहले भी कवर किया। तो पिन पर्वती जो हमारा पास है, मंतलाई लेक जो है जहां से हमारी पर्वती रिवर निकलती है सेकेंड, तो ये हमारा पिन पर्वती पास हो जाएगा। तो ये किस किस के बीच में हो जाएगा, हमारा कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर सारा पास भी होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो सारा उनका पास आ जाएगा, ये ऊपर की साइड जो है ये हमारा सारा उनका पास है, ये हमारा हो जाएगा सारा उनका पास, जो कनेक्ट करेगा किसको, लाहौल स्पीति और कुल्लू को। देन वी हैव एक और लाहौल स्पीति को जो पास हमारा कनेक्ट करता है वो है हमटा पास, ठीक है। तो जब हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं, अभी हमने पढ़ा सारा पास पढ़ा है, ठीक है, जो किसे कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट कर रहा है, पॉइंटर, हाँ सो हेयर इट इज, ठीक है। तो ये हमने सारा पास किया। अब हम थोड़ा और ऊपर की साइड मूव ऑन करते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमटा पास। देखो जब हमटा पास पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था कहाँ कहाँ से होके जाना पड़ता है हमको, इंद्रसान, दियो टिबा, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, अब आपको ये चीज याद भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप रटे जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं जो थियोरिटिकल पार्ट है उसमें से। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हो तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि अच्छा ये देखो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। तो हमटा पास हो जाएगा हमारा, ये हमटा पास जो है वो किसे कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू को किससे कनेक्ट कर रहा है, लाहौल है स्पीति से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आप कुल्लू को कांगड़ा की साइड, क्योंकि जो हमारा एरिया आ जाएगा पर्पल में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कांगड़ा वाला एरिया है, ठीक है। तो कुल्लू को कांगड़ा से तीन पास आ जाएंगे कुल्लू और कांगड़ा के बीच में, एक तो ये आ जाएगा हमारा एंटो पास एंड कथी कुकरी पास, कथी कुकरी हो जाएगा एंड भेड़लंगा पास, तो भेड़लंगा पास हो जाएगा। सो ये जो तीन पास है हमारे किस किस के बीच में, कांगड़ा और कुल्लू के बीच में है। अब ये कांगड़ा का बरा बंगल वाला एरिया है, कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे क्वेश्चन में पूछे थे कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा पास है, तो है भी वो सिंगल। दूसरी चीज ये है कि कई बार हमें नहीं पता होता है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो ये भी पूछा जा सकता है बारा बंगल एरिया को, जो बारा बंगल का रीजन है उसको लाहौल स्पीति से कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा पास हो जाएगा हमारा, लालूनी पास हो जाएगा।
सो दिस इज लालूनी पास, और ये किसे कनेक्ट कर रहा है, कांगड़ा को लाहौल स्पीति से, या बड़ा बंगल जो हमारा एरिया है, रीजन है, उसको लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पासेज जो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो हमने यहीं से शुरू करा था, देखो ये निकोरा कुगटी, ठीक है, थमसर पास आ गए यहाँ पे, तो यहीं से हमने शुरू किया था और यहाँ पर आकर के हमने इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको सारे पासेस पढ़ा दिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, कहाँ कहाँ पर वो है, ये भी आपको बता दिया। आप कुछ पासेस जो अंदर होते हैं, जैसे गेरू पास हो गए यहीं पर है, ठीक है, ये पासेस अंदर की साइड होते हैं। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जो है आपको टेबल दे दूंगी, जहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे ये पासेस जो है इंपॉर्टेंट, जो बीच बीच के हैं उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। देखो पासेस बहुत सारे होते हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू रिमेम्बर ऑल दी पासेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो मैंने आपको बताया, मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपको इनके पता होने चाहिए, और अगर आप इन्हें मैप के थ्रू बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, जो बाकी पासेस हमारे बचते हैं, जो हमारे रह गए, जैसे कि डुगी जोत हो गया, ठीक है, जलूरी पास है, इंपॉर्टेंट पास है, किस को कनेक्ट, किस किस के बीच में, इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट कर रहा है, दराती पास हो गया, चंबा पांगी के बीच में है ये, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपके पासेस के नाम है एक साइड में, ठीक है, ये आपके जो है ये पासेस के नाम हो जाएंगे, यहाँ पे एलिवेशन हो जाएगा, और ये किस किस के बीच में है, ये यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पासेस, ये टेबल आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, एंड डू रीड इट वंस, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे अब किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे याद करें, किस तरह से हमें याद करना है, याद नहीं होता है, तो देखो आपको ही मैप के थ्रू याद करना है। आप मैप लो और उसमें खुद बनाने की कोशिश करो, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, बारा बंगल वाला जो हमारा ये रीजन था, यहाँ पे लाहौल स्पीति वो कौन सा पास कनेक्ट कर रहा था, हमारा लालनी पास कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से आप ना ये इक्वल्स टू वाले मार्क बनाओ, ब्लैंक मैप लो हिमाचल प्रदेश का, और वहां पर इन पासेस को बना के आप याद रख सकते हो। इस तरह से आप ये अपने पासेस को याद रख सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी होमवर्क क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपके सामने है, बारा लाचा जो है वो किस किस जगह को कनेक्ट करता है, यानी हिमाचल प्रदेश को किस स्टेट से कनेक्ट करता है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कहाँ पर दोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किस तरह के क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट आंसर दिया है, 4 मार्क का है, 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रूट्स। अब आपको यहाँ पे वो पासेस तो बताने ही है, देखो कुछ पासेस के नाम देने होंगे, जैसे हमारा शिव किला हो जाएगा, बारा लाचा, रोहतांग पास हो जाएगा, साथ ही ये बताना है कि किस तरह से ये ट्रेड रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका सिग्निफिकेंस कैसा है ट्रेड रूट, तो ये भी मैंने आपको बता दें कि आपको लिखना कैसे है। अब लिखने का काम आपका है, तो डू राइट दिस क्वेश्चन, डू राइट दिस आंसर, जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका मेंस और प्री के पर्सपेक्टिव से पासेस वाला पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ स्टिल देयर इज एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।